निमला चरखा वो चरखा है जिस पर हर तरह का काम किया जा सकता है। हम मशीनों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन मशीनों की तरह से धागा बनाया जा सकता है। और इस चरखे ने अच्छे से अच्छे खादी का उत्पादन किया, खादी में गुणवत्ता लाया, और इससे हम एक ही चरखे पर कई काम कर सकते हैं। जैसे ट्विस्टिंग होता है तो ट्विस्टिंग भी कर लेते हैं, कताई का भी काम कर लेते हैं, और ये कई प्रकार के हैं। लगभग चरखा इसका शुरू में चला तो 4 तकले का चला NMC, फिर 6 तकले का, फिर 8 का, अभी आपके सामने जो ये है ये 10 तकले का चरखा है। इसके अलावा 12 तकला और 24 तकले का जो पैर से चलता है। ये चरखा हाथ से भी चलता है, सोलर पैनल से भी चलता है। ये कताई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चरखे में टूटन क्रिया कम हो, चरखे का सूत का समानता बना रहे, इसके लिए हम सोलर का भी प्रयोग करते हैं ताकि एक बराबर चरखा चले और उसका गुणवत्ता, सूत का गुणवत्ता बरकरार रहे, क्वांटिटी अच्छी हो इसकी। ये 10 स्पिंडल का हमारा चरखा है। इस 10 स्पिंडल यानी इसमें 10 स्पिंडल लगे होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इसमें 10 हैं तो इसे 10 स्पिंडल का चरखा बोलते हैं। इसी में 8 स्पिंडल का भी आता है, 6 स्पिंडल का भी आता था, अभी 12 स्पिंडल और 24 स्पिंडल भी आता है। इस चरखे का खासियत यह है कि जो जिस तरह से हम चाहें इस पर उस तरह का सूत बना सकते हैं, जब चाहे मोटा जब चाहे पतला। तो जब हमें मोटे सूत की आवश्यकता होती है तो मोटा बना लेते हैं, पतले की आवश्यकता है तो पतला बना लेते हैं। इस पर हर तरह के यार्न बनाए जा सकते हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, काटन है, लिलन है, रेशम का है, तो ऊन का भी इसी पर ऊन की कताई भी होती है। तो हम हर तरह के रेशे से इस पर अपना सूत तैयार कर लेते हैं। अगर ऊनी है तो हम ऊनी साल, चादर आदि बना लेते हैं। अगर रेशम का है तो बारीक माल जैसे मटका कतान है, कटिया है, इसकी कताई कर लेते हैं। और पॉलिएस्टर है जो पोली वस्त्र होता है जिसमें मिक्स होता है काटन में, तो 67-33 का मिक्सेशन होता है, ये पुनी में ही मिक्स हुआ रहता है, तो हम उसको भी पॉलिएस्टर भी बनाते हैं, और काटन जो 100% काटन होता है उसे भी बनाते हैं। मोटा सूत के लिए हम छोटे रेशे की रुई का प्रयोग करते हैं, और पतला सूत के लिए हम लंबे रेशे की रुई का प्रयोग करते हैं। ये रुई की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि कौन सी रुई से कितने नंबर तक के सूत सही होंगे या मजबूत होंगे। जैसे जरीला है तो जरीला को हम 30 से 40 नंबर के लिए यूज करते हैं। तो 30 से 40 अगर 40 ऊपर जाते हैं तो उसका धागा कमज़ोर होने लगता है और उसमें टूटन क्रिया होगी या जो कपड़ा बनेगा वो जल्दी फट जाएगा। हम उसके बाद नौसारी रुई 40 से 60 यानी 60 नंबर, ये काउंट का हम बनाते हैं। अब काउंट कैसे किया जाता है, अब इसको जानना चाहते हैं तो आप देखिए, काउंट परेता ये जो हमारा ये बना हुआ है 1 मीटर का है, एक ग्राम में जितने मीटर सूत तैयार होते हैं वो सूत का काउंट होता है, या 1 ग्राम में एक किलो में जितनी गुंडी, 1000 मीटर की हमारी गुंडी होती है, जितनी गुंडी चढ़ती है वो सूत का अंक यानी उसका नंबर होता है। इस विधि से हम उसका नंबर निकाल लेते हैं कि हमें जिस तरह का मोटा पतला करना होता है उससे हम अपना उस काउंट का बना लेते हैं। अब चरखे के पार्ट्स के बारे में, बनावट के बारे में, इसका रख रखाव कैसे करें, कैसे फिटिंग करें, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता है तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं।
देखिए फर्स्ट ये जो पीछे लगा हुआ है इसको टॉप आर्म बोलते हैं, टॉप आर्मवार, यानी जिसमें ये टॉप आर्म कसा जाता है ये इसको टॉप आर्मवार बोलते हैं, और जिस जो इसमें कसा गया है इसको टॉप आर्म बोलते हैं। देखिए ये टॉप आर्म है, ये दबाव देने का काम करता है, इसे हम दबाव देते हैं और एक निश्चित दबाव पर सूत सही आता है। अगर दबाव ज़्यादा हो जाएगा तभी सूत कटने लगेगा, और दबाव कम होगा तभी सूत कटने लगेगा। तो एक निश्चित दबाव है, एक निश्चित प्रेशर पर इसको फिक्स करते हैं, और इसमें तीन लीवर लगे होते हैं। पहला ये है, इसको गुटका, रबड़ का गुटका बोलते हैं, ये बैरिंग इसमें लगा हुआ है, ये जैसे देख रहे हैं आप इसमें रुई फंस जाती है, तो इसको हम बराबर घुमा करके या लकड़ी से निकाल लेते हैं, इसमें आयल की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से तीनों हैं, ये गुटका तीनों इस अपने अपने लीवर में लगते हैं। ये लोहे का गुटका होता है, इसका काम मेन पिसाई करना है, किसी भी रुई को किसी भी तंतुओं को फैलाने के काम में ये आता है, ये पीस करके बारीक बना देता है उसको। और इसके ऊपर जो लगा रहता है ये 37.5 का ये अपरण लगता है रबड़ का। ये इसलिए लगता है कि जो रुई का तंतु, रुई के तंतु जो हैं आगे आ रहे हों वो हवा से उड़ करके खराब ना हो, टूटे ना, इसके बीच से ही हवा को रोकता है और उसको सप्लाई दे देता है ताकि अगले गुटके के पास आकर के सूत तैयार हो जाता है। इसमें चार पार्ट्स होते हैं, इसमें पहला लोहे गुटका है, दूसरा अपरन है जो 37.5 का लगता है, और ये क्रेडिल है, इसमें एक क्रेडिल स्प्रिंग लगी है जो गुटके को तनाव देने का काम करती है ताकि ये पट्टा टाइट रहे और चलता रहे, और इसी पत्ती के सहारे ये गुटका चलता रहता है। इसको इस तरह से दबा देते हैं, फिर यहाँ लगा देते हैं। तो ये टॉप आर्म के बारे में और गुटका के बारे में बताए। अब ये देखिए, ये पुनी कड़ी है, पुनी कड़ी का काम है, इसी से पुनी को डाला जाता है, और ये पुनी मार्गदर्शिका भी कह सकते हैं इसको। ये पुनी को सीधा रखे रहता है, जिस रूट पर हम लाना चाहते हैं उसी रूट पर ये चलता है। गुटका थोड़ा सा कट जाए, खराब हो जाए या टूटन क्रिया ज़्यादा होने लगती है तो इसको दाएं बाएं करके भी सीधा कर लिया जाता है। तो ये पुनी मार्गदर्शिका पट्टी या पुनी कड़ी इसको बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है ये धारीदार बेलन का। ये सीधे धारी लगे बने होते हैं और इस धारी में ही, धारी के सहारे ही ये गुटका चलते हैं और इसको आगे बढ़ाने काम करते हैं। ये है, इसके आगे बीच में नर्लिंग क्रॉस धारीदार बेलन है, इस क्वाल्टू की तरह से इसमें क्रॉस बना होता है और इस पर ये पट्टा चलता है, ये पिसाई का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, ये ही सारे तंतुओं को सीधा करता है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा तंतु है उसे भी पीस करके ये सीधा कर देता है। और इसमें जो अपरण लगा हुआ है ये 36.5 का होता है, ये अपरण तनाव पट्टी है, ये अपरण को तनाव दे करके सीधे इसी के सहारे पट्टा चलता रहता है, राउंड लेता रहता है और पुनी आगे बढ़ती रहती है। और फिर आता है धारीदार बेलन पर नंबर, ये फेक धारीदार बेलन है, ये पकड़ है और ये फेक है, ये पकड़ करके आगे सप्लाई करता है पिसाई के लिए, और ये पिसाई करने के बाद फेंकता है बाहर, तो इसलिए इसको फेक बेलन बोलते हैं, और ये पकड़ता है इसको पकड़ बेलन बोलते हैं, और जो पिसाई करता है उसको नर्लिंग क्रॉस धारीदार बेलन बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से सूत का नंबर आता है, तो इसको सूत कड़ी बोलते हैं। ये स्पेंडल के ठीक इसका फ्ला जो घेरा होता है फ्लावर वो एक बीच में रहे, इसके लिए ये लगाया जाता है कि सूत एकदम नियमित सीधे इसके बीच का घेरा बनाता रहे ताकि सूत एक दूसरे में न टच करें, या इसके ऊपरी भाग पर
टच करके टूट ना जाए, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके नीचे आता है ये स्पैंडल यानी तकुआ, जिसमें ये पीछे से गति चक्र के सहारे चलता है, इसको तकुआ बोलते हैं स्पैंडल। इसके नीचे आयल बाथ है, जिसमें तेल डाल करके बैरिंग के सहारे इस तकले को चलाते हैं। ये तकला बहुत तेज़ी से घूम पाता है, आसानी से घूम पाता है, और इसको ऐठन देने का, बट देने का काम करता है। चरखे में हम बट देने का काम बाएं साइड से करते हैं। हमारे धागे में और मिल के धागे में अंतर क्या होता है, या आप इसी समय समझ लीजिए कि जो हमारा घुमाव है इसका उल्टा हम घुमाते हैं, और मिल में जो भी धागे तैयार होते हैं सीधा घुमाते हैं, वो राइट साइड से घुमाते हैं, हम लेफ्ट साइड से घुमाते हैं। इसलिए हमारा धागा कहीं भी बताएगा कि हम NMC से तैयार हुए हैं या ये हाथ द्वारा हम तैयार हैं। जो ये ऊपर नीचे धागा लपेटने का काम करती है, इसको रिंग पट्टी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे रिंग लगे होते हैं, ये कास्ट आयरन के होते हैं। उसी में ये ट्रेवलर चरखे का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कि धागे को बाबिन में लपेटने का काम करता है। यदि ट्रेवलर को निकाल दिया जाए तो फिर आगे धागा बनना बंद हो जाएगा, न बट आएगा न सूत कट पाएगा। अब ये सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज चलता है। चरखे में सबसे ज़्यादा राउंड यही लगाता है। जब तक तकला एक चक्कर करेगा तब तक ये छह चक्कर कर देता है। ये धागा को लपेटने काम में आता है। अब इससे पीछे गति चक्र लगा है, गति चक्र पर जिसके सहारे ये माली चलती है, वो घुमाता है, ये गति चक्र काम है। तो अब तक हम लोग आगे के पार्ट्स के बारे में जाने, अब पीछे की तरफ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये सबसे ऊपर, इसको पुनी स्टैंड बोलते हैं, जिसमें ये लगा हुआ है बाबिन, जिसमें लगाया जाता है ये बाबिन कड़ी, इसको बोलते हैं। ये ऊपर करने से अंदर हो जाता है और नीचे करने पर बाहर हो जाता है। इसी के सहारे बाबिन टंगी रहती है। अब इसके बाद ये फ्रेम है, फ्रेम का ये पूरा फ्रेम को जोड़ने वाली पट्टियां हैं। इसमें गति चक्र राड, एक राड है जो गति चक्र लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर बाल बैरिंग लगी हुई हैं, और ये गति चक्र है जो 9 सेमी व्यास का है। इसके ऊपर का पार्ट्स एडलर है या दबाव पट्टी। ये पतली माला को टाइट करने काम करती है। जैसे जैसे जब तक चरखा चलता है माला घिसते घिसते ढीला हो जाती है, तकले पर तनाव कम होता है, इसलिए इसको ऊपर से वेट देने का काम करते हैं ताकि माला एक समान रूप से चलती रहे। ये इसको एडलर बोलते हैं। तो ये दाहिने साइड एक्सल राड है, उस एक्सल राड में ये हैंडल लगा हुआ होता है, इसे चरखा चलाने का काम करते हैं। और ये बाएं साइड परेता स्टैंड बोलते हैं इसको, ये परेता स्टैंड है, इसमें परेता लगा हुआ है, और इसमें परेता चूड़ी राड है जिसका संख्या 200 है। और ये काउंटर लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं तो एक बार यहाँ से आकर यहाँ तक गिर जाता है तो 200 मीटर धागा तैयार हो जाता है। तो फिर दूसरे कड़ी में लगाते हैं, तीसरे में लगाते, चौथे और पाँचवें में, इस तरह से 1000। ये काउंटर है, काउंट करने का काम करता है। इसमें ये गवर्नर पट्टी है, इसमें 5 गवर्नर लगे होते हैं। ये 5 2 200 का बनाने के लिए अलग 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 धागा एक दूसरे में चिपट ना जाए, फिर खोलने में आसानी हो, इसलिए इसको
अलग अलग पांच में रखते हैं। ये है प्लास्टिक की घिरी है जो ये पुली से सीधा चलाने के काम में करती है। इसको जब चाहे बाएं चला सकते हैं, जब चाहे दाएं चला सकते हैं, लेकिन इसको उल्टे इस तरह से चलाया जाता है ताकि इधर से धागा निकल के इधर से गवर्नर से आए। ये आयल बात है, ये साधारण सा तकला है स्पेंडल। बाकी पार्ट्स बाएं साइड के हुए हैं, दाएं साइड दिए हैं। अब इसके अंदर गियर लगे हुए हैं और दाहिने साइड भी गियर लगे हुए हैं, तो क्रमशः गियर तो बहुत से हैं। अब फिटिंग के समय हम इसे आप लोगों को बता देंगे कि किस तरह से फिट होता है, किस तरह से फिटिंग किया जाता है, किसका क्या काम है गियर का। तो बस पार्ट्स में ऊपर इतने ही, एक पार्ट से ये बीच में है जो दिख नहीं रहा है, इसको पान राड बोलते हैं। एक पान के आकार का पान बना हुआ है जिस पर ये पान, ये पट्टी लगी होती है, पान पट्टी इसको बोलते हैं। ये पान जैसे ऊपर नीचे चलता है, ये पट्टी ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसी के सहारे ये चलती है ये रिंग पट्टी। ये काटन की पुनी है, इसे कपास से या सिंथेटिक धागा मिला करके पुनी को प्रोसेस करके मोटा धागा बना लिया जाता है, जैसे सूत को हम पतले में बनाते हैं। इसको जो ये मोटा धागा बना हुआ है इसको हम पुनी बोलते हैं। इसमें बट कम होता है, इसे खींचने पर टूट जाएगा, और धागा खींचने पर टूटेगा नहीं, वो धागा पक्का हो जाता है, तो इसे हम पुनी बोलते हैं। खींचने पर इस तरह से टूट जाता है। इसी को हम पीछे स्टैंड में लगा देते हैं, और इसको फिर इस पुनी कड़ी में या पुनी मार्गदर्शक पटका इसको बोलते हैं, पुनी कड़ी में इसे डाल देते हैं और ये सीधा कर देते हैं। इसके बाद इससे तनाव दबाव दे देते हैं और फिर चला चरखे को चलाते हैं। ये क्रमशः पुनी चलते हुए आगे आ जाती है। ये पिसाई करके सारे रेशे सीधे हो जाते हैं और इसका धागा इस तरह से बन जाता है। इसके पहले हमने आप लोगों को चरखे के पार्ट्स के बारे में बताए थे, अब आगे देखिए चरखे के असेंबलिंग कैसे की जाती है, पार्ट्स कैसे लगाए जाते हैं, कौन पार्ट्स कहाँ लगते हैं, इसको अब आप लोगों को हम असेंबलिंग करके दिखाते हैं। यह है पकड़धारीदार बेलन। ये ऊपर लगाया जाता है, इसमें एक प्लास्टिक का बूस लगा हुआ है, बूस के सहारे इसको इसमें फिट कर देते हैं, ये फिक्स हो जाता है। ये है पुनी कड़ी, इसमें इसको यहाँ लगा देते हैं, इसी में पुनी लगा दिया जाता है और इसी से सप्लाई आगे होता रहता है। उसके बाद ये मध्य धारीदार बेलन को लगाते हैं, इसमें बाल बैरिंग लगा हुआ है, यहाँ घाट बना हुआ है, उसी घाट पर बैरिंग को बैठा देते हैं, फिर ये तनाव पट्टी को पेचकस के सहारे इसमें फंसा देते हैं। ये हो गया। अब ये फेक धारीदार बेलन है, इसमें 16, 18, 20, 24 जैसा सूत मोटा पतला करना होता है उस हिसाब से गियर चेंज करते रहते हैं। इसमें भी बाल बैरिंग लगा हुआ है और इसमें भी घाट बना हुआ है, उस पर इसको सेट कर देते हैं। इस तरह से बेलन को सेट किया जाता है। यह है रबड़ का गुटका, इसको इसमें आयलिंग करके, इसमें भी बैरिंग लगा हुआ है, थोड़ा सा आयलिंग करके इसको
इस लीवर में टॉप आर्म लीवर है, इसमें लगा देते हैं। अब कैसे लगाया जाता है ये देखिए आप, इसको यहाँ इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें फंस जाता है ये। इसी तरह से तीनों में क्रमशः लगा देते हैं हम लोग। ये लोहे का गुटका है, इसमें 37.5 का अपरण लगा हुआ है। ये क्रेडिल है, इसमें क्रेडिल स्प्रिंग लगी हुई है। इसको जब आयलिंग करना होता है तो स्प्रिंग से निकाल देते हैं इसको, ये बाहर अलग अलग निकल जाता है। इसमें आयलिंग करने के बाद इसको इस पर रखते हैं, फिर अपरण लगाते हैं और उसके बाद स्प्रिंग से दबा कर ये फंसा दिया जाता है। इस तरह से ये हो जाता है, फिर इसके बाद लीवर में गुटके को फंसा देते हैं। ये टॉप आर्म है जो एक एक्सल में कसा हुआ है, इसको उठाने के लिए जब भी दबाया जाता है तो पहले इसको ऊपर उठाया जाता है, फिर लीवर को दबाते हैं तो नीचे आता है। अगर इसको डायरेक्ट हम नीचे दबाना चाहें तो चाहे जितना भी इस पर बल दें ये नीचे नहीं आ सकता, जब तक कि इसको ऊपर उठा करके लीवर को नीचे न करें। अगर कर देते हैं तो ये गिर जाता है। इस तरह से फिर इसको दबा दे देते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि ये कैसे फिट किया जाता है। अब इधर नीचे आयल बात है जिसमें स्पेंडल लगे हुए हैं, तकला इसमें बाबिन लगी हुई हैं और इसको सीधे लगा दिया जाता है। इसमें भी एक आयल बात होता है, जब इसको बराबर निकाल करके हम लोग सफाई करते रहते हैं कि ताकि इसमें रुई के रेसे जा कर के फंस जाते हैं और राउंड लेना कम कर देता है या बंद हो जाता है। तो इसमें पूरा तेल भर देते हैं आयल और फिर इसके बाद इसको इसी में ये बाथरूम है उसमें फिट कर देते हैं। इस तरह से ये सब फिट कर दिए जाते हैं। ये रिंग पट्टी है, ये पान के सहारे क्रमशः ऊपर नीचे उठती है। यह एक तीन सूत का सरिया होता है जिसमें पान को फिक्स कर देते हैं एक साइड में स्क्रू के सहारे बांधते रहते हैं। उसी के सहारे ये पान के सहारे पान पट्टी पर रिंग पट्टी ये घूमती रहती है। जैसे हम चरखा चलाते हैं तो क्रमशः ऊपर नीचे ये करती रहती है और बाबिन स्पेंडर चलते रहते हैं, ऊपर नीचे बाबिन सूत भरता रहता है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, इसमें तेल डाल देते हैं ताकि इसमें जंग ना लगे और आसानी से चलता रहे। अगर ये आसानी से नहीं चलेगा तो कान का इसको ढीला हो जाएगा या ये रुक रुक चलेगा तो एक ही जगह सारे सूत इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए क्रमशः इसको चलाते रहते हैं। इसमें दोनों साइड में चलाने से पहले तेल दे देते हैं या उसमें रुई हुई फंसी हो उसको साफ कर लेते हैं। इधर चार तरफ दाहिने साइड चरखे के चार तरह के गियर लगे होते हैं। ये पान राड में जो लगा हुआ है ये 76 दांत का गियर है। 76 टी बोलते हैं, टी मतलब टीथ से दांत हम बोलते हैं, तो 76 टी का ये गियर है। दूसरा ये 56 टी का गियर है,
इसमें 56 दाता होते हैं ये, और इसके बाद ये 42 टी है। इसके ऊपर मुख्य राड में हैंडल में 12 टी का गियर लगा होता है और फिर ऊपर 56। इसको इस तरह से लगाया जाता है, इसके ऊपर से स्क्रू लगा देते हैं ताकि चलते समय बाहर ना निकले। इसे स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा टाइट कर देते हैं। ये दाहिने साइड का हिस्सा है। इसके बाद इसका ढक्कन, ये सेफ्ट अपने सेफ्टी के लिए, ताकि इसमें उंगली न पड़े या कोई बच्चा या अपना कपड़ा या गंदगी न जाए, इसलिए इसको ढक्कन लगा देते हैं। इधर इस साइड का एकदम पैक हो जाता है। ढक्कन लगाने के बाद फिर इसमें हैंडल लगा देते हैं। इसी के सहारे चरखे को चलाते हैं। ये हैंडल हो गया। आप लोगों को दाएं साइड का असेंबलिंग करके दिखाया, बाएं साइड कौन से गियर लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, इसका असेंबलिंग करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये 76 टी का गियर है, ये 46 टी का गियर है। जिस तरह से ये कसा गया है, इसको भी इसी तरह से असेंबल कर देते हैं इसमें, और फिर बोल्ट के सहारे टाइट कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है 21x56। ये ज्वाइंट गियर होता है। ये बाहर वाला है 56 टी का है और अंदर वाला 21 टी का है। इसी में खराद मशीन से, लेथ मशीन से काट करके इसमें सेट कर दिया जाता है। इसमें बैरिंग लगा हुआ है। ये जिसमें जिस धुरा पर ये चल रहा है, इसका नाम होल्डर है। इसको होल्डर को प्लेट में कस देते हैं और इसे यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह से ये 76 टी का गियर है, ये भी होल्डर में फिक्स है। इसे नट को निकाल करके इसे यहाँ लाकर कस देते हैं। इसी होल्डर को आवश्यकतानुसार ऊपर नीचे करके गियर को सेट कर लेते हैं।
अब ये 76 टी का गेयर होल्डर के सहारे इसको यहाँ कस देते हैं। इसमें सुराख लंबा बना हुआ है, जहाँ पर सेट होता है इसको और इसको बराबर टच करे वहाँ ले जा कर के कस देते हैं। इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ये और ये दोनों दांता आपस में टाइट ना हो, थोड़ा सा इसमें गैपिंग होना चाहिए, हल्का सा हवा जाने के तक बराबर, और नहीं तो दांता जल्दी से टूट जाएगा, चलने में भारी चलेगा, सही नहीं चलेगा, आवाज़ चरखा करेगा। अब ये तो इधर बाएं साइड का गियर का बात था, अब इसके बाद फिर चलाते हैं, ये क्रम से चलने लगता है। ये इस तरह से चरखे का असेंबल किया जाता है। ये गियर को लगाने के बाद इसको छोटे स्क्रू लगा करके फिक्स कर दिया जाता है, ताकि कभी बैरिंग खराब हुई या ढीला हो तो ये बाहर ना निकले। इसको फिट करने के बाद फिर हम ढक्कन को लेते हैं, ढक्कन को साफ करके इसमें इस तरह से लगाते हैं। ढक्कन लगाते समय पहले नीचे का स्क्रू लगाया जाता है। इसमें ध्यान यही रखना होता है कि पहले नीचे का स्क्रू लगा दिया जाए, जो कि आसानी से लग जाए। इसमें लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये परेता पुली, इसको बोलते हैं परेता पुली, को कस देते हैं। उसके बाद माला लगा करके परेता पर चलाते हैं। ये भी ये राड अक्सर टूटता रहता है, तो राड को हम यहाँ से खोलते हैं और खोल कर निकाल लेते हैं। फिर इसको पुनः नया राड या साफ करके फिर इसको इसमें लगा देते हैं। अब इसी के सहारे ये चलता रहता है, इसी में माला लगा करके फिर पुली पर लगा देते हैं। चरखा असेंबल करके दिखाया, अब चरखा फिट करने के बाद कैसे चलाया जाता है इसको आप लोग को हम दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये है पुनी, इसको हम पुनी स्टैंड में लगा देते हैं इस तरह से, ये पीछे लग जाता है। फिर इसको इस पुनी कड़ी में फंसा देते हैं, इसमें लगा करके छोड़ देते हैं। फिर लीवर को दबा देते हैं, फिर चरखा चलाना शुरू करते हैं। फिर ये प्लास्टिक की बाबिन है, इसको स्पैंडल में लगा देते हैं। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट्स चरखे का, हमने ट्रेवलर जिसका नाम बताए थे, इसमें फंसा लेते हैं। ट्रेवलर में फंसाने के बाद ये सूत कड़ी में इस तरह से फंसा लेते हैं। उसके बाद ये गुटके के बगल में पीछे लाते हैं और फिर चरखा चलाते हैं। तो फिर
इस तरह से सूत बनना शुरू हो जाता है और ये यही पूरी सूत की प्रक्रिया है। अब इसके बाद सूत को यहाँ से निकाल करके अटेरन पर लगाते हैं, अटेरन से उतारते हैं। अभी ये कताई कैसे की जाती है और कैसे पुनी लगाया जाता है, कैसे सूत पकड़ाया जाता है, ये हम आप लोगों को बताएं। इसके बाद अभी कैसे उतारा जाता है ये भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से सूत काटने के बाद जब बाबिन भर जाती है तो सूत को कैसे उतारा जाता है, इसको तकले में फंसा देते हैं, फिर इसमें रख देते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से फंसा देते हैं, फिर काउंटर को पीछे कर देते हैं। ये काउंटर काउंटिंग का काम करता है। फिर ये काउंटर हमारा शुरू से यहाँ आकर के जब बाहर नीचे गिर जाता है तो ये 200 मीटर धागा तैयार हो जाता है। अब इसका काउंट इसको काउंट करेंगे तो 200 मीटर होगा, इसमें से 200 तार होंगे, उसके बाद इसको इसी में से तोड़ करके अलग से लच्छी इसको बना लेते हैं। फिर इसको सूत को दूसरी कड़ी में दूसरे गवर्नर में लगा देते हैं ताकि ये दूसरा 200 मीटर तैयार हो जाए। इस तरह से 5 लच्छी बनाते हैं और 5 लच्छी बनाने के बाद ये गुंडी तैयार कर लेते हैं। अब तक आप लोगों ने देखा कि सूत कैसे काटा जाता है, कैसे उतारा जाता है। अगर सूत को ट्विस्टिंग करनी होती है, बट बनाना होता है तो कैसे बट बनाया जाता है, इस विधि को आगे हम बताते हैं और समझाते हैं। दो बाबिन को पीछे लगा लेते हैं और दोनों को पुनी कड़ी में फंसा देते हैं। ट्विस्टिंग करने के पहले दोनों गुटका निकाल देते हैं बाहर, केवल एक गुटका से ही ट्विस्टिंग का काम करते हैं।
इसको सूत को टेबल में फंसाने के बाद फिर सूत कड़ी में फंसाते हैं, फिर उसी विधि को जिस तरह से कताई करते हैं तो ट्विस्टिंग का काम करते हैं। ट्विस्टिंग में खास चीज़ ये है कि बट इसका उल्टा दिया जाता है। जब कताई होती है तो बाएं साइड चलता है और जब ट्विस्टिंग की जाती है तो दाएं साइड चलता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सूत काटते समय बाएं साइड ऊपर रखा जाता है माला को, और फिर जब ट्विस्टिंग किया जाता है तो इसको दूसरी तरफ पलट दिया जाता है, बाएं से दाएं कर दिया जाता है। जो गति चक्र ऊपर है वो बाएं हो जाएगा और फिर ये उल्टा बट लेना शुरू कर देगा, और जब भी हम बट देते हैं तो उल्टा बट देंगे तब मजबूत होगा, अगर उसी दिशा में देंगे तो सूत का ट्विस्टिंग नहीं हो पाएगा। और इस तरह से इस तरह से एक ही चरखे पर कताई और ट्विस्टिंग का काम दोनों काम कर लेते हैं। तो हमने आप लोगों को चरखा चला करके दिखाया कैसे पुनी पकड़ाई जाती है, सूत कैसे काटा जाता है, कैसे उतारा जाता है। उसके बाद ट्विस्टिंग के बारे में आप लोगों को बताया कि इस पर ट्विस्टिंग करके दिखाया कि ट्विस्ट कैसे किया जाता है। ट्विस्टिंग होती क्या है इसके बारे में एक से ज़्यादा धागे, जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, हमको जिस तरह का फैब्रिक यानी कपड़ा बनाना होता है उस तरह के अपने हिसाब से उसको ट्विस्टिंग कर लेते हैं। जैसे मान लें दो सूती कपड़ा हमको बनाना हुआ तो दो धागे न लगा करके दो धागे को हम एक ही में ट्विस्ट कर देते हैं, मोटा धागा हो जाता है, उससे हम मोटी खादी बना लेते हैं। उससे भी मोटे की जरूरत होती है तो हम तीन लगा लेते हैं, चार लगा लेते हैं। इस तरह से खेस चादर और अन्य कपड़ों का उत्पादन करने के लिए हम अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं, और एक से ज़्यादा कोई एक में मिला दिया जाए उसी को ट्विस्टिंग कहते हैं। सूत काटने के बाद कैसे परेता पर उतारा जाता है ये हम आप लोगों को बताए, और परेता पर उतारने के बाद जब पाँच लच्छियाँ हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद इसको एक धागे से बांध लेते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको एक गुंडी इसका बाइंडिंग कर देते हैं। बाइंडिंग करने का पर्पज केवल ये है कि धागा एक दूसरे में उलझे ना। इसको इसमें फंसा लेते हैं, फिर इसमें इसके आधे से ज़्यादा भाग को दाहिने हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर इसको इस तरह से बाइंडिंग करते हैं। इस तरह से बांधने करके गुंडी तैयार कर लेते हैं। फिर जब भी हमको निकालना होता है तो धागा एक दूसरे में उलझेगा नहीं, इसलिए इसको बना कर तैयार करते हैं। बाइंडिंग किसे कहते हैं? बाइंडिंग एक निश्चित सूत को लेकर के यानी 1000 मीटर को, 2000 मीटर को, 200 मीटर को, 300 मीटर को, जितना वो हो, हम 1000 मीटर की गुंडी तैयार करते हैं और इसको एक समूह में बांध देते हैं और फिर लच्छी बना देते हैं, इसी को बाइंडिंग कहते हैं।